द सेवन स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस. ये मुझे मिली है, दोनों दोस्तों की मिली है. फॉर दैट पर्पस दिस मार्केट इज रियली गुड. बुक्स देखिए, स्टोरी बुक्स और बड़े की बुक्स, मैथ्स की, साइंस की, वो सब देखिए. सब पसंद. और क्या लिया आपने बताइए? मैंने द हार्ड बॉयज. हार्ड बॉयज. यहाँ पर देखिए कुछ रेफरेंसेस भी हैं, ऑटोबायोग्राफी भी हैं, बायोग्राफीज भी हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी भी है. यहाँ की चीप है, वहाँ की महंगी है. दो वाला 80 रुपए में. सिर्फ 20 रुपए कम. 250 रुपए की एक. 250 रुपए की एक. मार्जिन करा लेते हम थोड़ी. मार्जिन कराते. मार्जिन. मार्जिन. हाँ मार्जिन, मतलब थोड़ा कम करा लेते रेट. मार्जिन. बार्गेनिंग मत करना, मार्जिन करना. क्यों? ये बताओ, भीड़ में आ गए, कोरोना नहीं फैलेगा? नहीं, यहाँ पर उतना नहीं है. इधर नहीं है इतना. हैरी पॉटर्स की ओनली 100 रुपीज की मिली है. जो विम्पीज की डायरीज है वो आपकी 50-60 रुपीज में मिले. दैट इज वेरी नॉमिनल प्राइस. क्या कर रहे हैं आप? UPSC. UPSC? हाँ जी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू. ये 20 रुपए की है. 20 रुपए की अक्षरमाला बच्चों को, क्योंकि जो पिक्चर्स हैं, पिक्चर के साथ बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. जो सर GK है, कलरिंग है, ABC है, 1-2-3 है, सभी है जो बच्चों की होती है, नर्सरी टू 8 ये थे. बट यहाँ पे मुझे पेपर की क्वालिटी बेटर लगी. तो मतलब नोट्स बनाने तो ऐसा होता है कि फट जाते हैं कुछ, तो बेटर है कि हम लोग अच्छे क्वालिटी का पेपर लें. यहाँ पर तो बहुत सस्ती मिलती है किताबें. लॉट ऑफ कलेक्शन रिगार्डिंग नॉवल्स, इवन साइंस बुक्स आई हैव सीन, दे आर सो गुड. सेकेंड हैंड मिल जाती है, मतलब हाफ रेट से कम में. थोड़ी हाफ रेट से भी कम मिल जाती है. 30 रुपए में. 10 रुपए का एक. अरे रेट जो है ये जरा इधर वाला है, अकेले हो इसलिए. नहीं 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 भाजी, ये सिर्फ यहीं का रेट है. इसकी अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो, बहुत लाइफ टाइम के लिए बनाना चाहते हो, आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस. आप इसे जरूर ट्राई करें. मैं एक्चुअली मेजरमेंट्स वगैरह के लिए देख रही थी कि कोई मैगजीन मिल जाए जिसमें मेजरमेंट्स अच्छे हों. नहीं, नॉवल्स ली मेरे पसंद की, बच्चों के लिए भी ली, बहुत अच्छी अच्छी मिली है. नमस्कार दोस्तों, द न्यूज गेट में आपका स्वागत है. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ और हर बार भूल जाता हूँ. खैर बहरहाल, आपको पता होगा कि जो चोर बाजार है, जो चोर मार्केट है, वो लाल जो दरियागंज पर लगा करती थी, लाल किले पर, वो अब शिफ्ट कर दी गई है यमुना के बराबर में, यमुना बाजार के थोड़ा सा आगे, तकरीबन 3 किलोमीटर आगे. और दरियागंज पर जो मार्केट लगती थी किताबों की, वो शिफ्ट कर दी गई है वुमेन हाट में, जो दिल्ली गेट पर लगता है. तो इस वक्त मैं यहाँ पर जो किताबों की मार्केट है, जो बुक मार्केट है, जो सिर्फ संडे लगती है, उसी को आज कवर करने के लिए आए हैं और आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं. क्योंकि इस वक्त में ये कॉम्पिटिशन का टाइम है, क्या मेडिकल के टेस्ट हो, इंजीनियरिंग के हो, या और दूसरे कॉम्पिटिशन हो, उन सब की तैयारियों की बुक्स यहाँ मिलती हैं. जो स्कूल्स के बच्चों के फिक्शंस हैं, उनकी टेक्स्ट बुक हैं, रेफरेंसेज हैं, वो भी सारे यहाँ पर मिलते हैं और बहुत सस्ते और मुनासिब दामों पर मिलते हैं. अब वो कितने सस्ते और मुनासिब दाम है, आइए अंदर चलते हैं और समझते हैं कि पब्लिक क्या खरीद रही है और बेचने वाले क्या बेच रहे हैं. आइए बुक्स देखिए. बुक्स का मतलब पैसे वाले इनको पकड़ते हैं. दोस्त मास्क भी लगा हुआ है, किताबें भी हैं और भीड़ भी है, क्या बात? हाँ बुक्स देखने आए हैं. अच्छा, मिल गई किताबें आपको? हाँ मिल गई. मिल जाती हैं इधर? हाँ सारी मिल जाती. मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ लॉ के लिए. लॉ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सस्ती मिलती है महंगी मिलती है? दोनों मिलती है. नई और पुरानी दोनों मिल जाती है. हाँ. तो फिर फायदा वायदा हुआ? हाँ बहुत फायदा होता है. फायदा स्टूडेंट के लिए अच्छा है. स्टूडेंट्स के लिए, सेहत के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा. और सेहत पहना हुआ है ना, इसलिए आता नहीं है. चलो स्टूडेंट के लिए अच्छा है और स्टूडेंट के लिए ही ये सब बुक्स है. किताबों की वैरायटी आप देख सकते हैं कि आप अलग अलग, क्योंकि हर जितने भी जो सेलर हैं उनका एक अपनी स्पेशलिटी है. कुछ फिक्शंस रखते हैं, जैसे यहाँ पर जो इंग्लिश फिक्शंस हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं. मॉलिक ग्रीन है, सुथा लेविस है, ऐसी किस तरह की कहीं. और कुछ लोग जो है कॉम्पिटिशन्स की रखते हैं. क्यों दोस्त, कुछ ले लिया? जी हाँ ले लिया. अच्छा क्या ले लिया यार? ये चैप्टर वाइज है, क्लास 12th की. अच्छा 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 जी. तो क्या तैयारी प्रिपरेशन किसकी कर रहे हो आप? फिलहाल तो अभी बोर्ड्स की कर रहा हूँ, उसके बाद एनडीए का करना है बोर्ड्स के बाद. अच्छा, तो उसके लिए एक बुक लेने की क्या है? जी 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 हाँ बहुत सस्ता आप सब आइए. अच्छा बाहर कितने की है? बाहर एक्चुअली मार्केट देखी नहीं मैंने इसकी, बट नहीं तो पता होगा कंपेरेटिवली. नहीं नहीं एक्चुअली देखी नहीं, बट हाँ यहाँ पे सस्ती मिलती है इसलिए मैं आया हूँ. ये मुझे मिली है, दोनों 200 की मिली है. 200 रुपए की मिली है? जी. 100 रुपए की? जी. बहुत सही. तो इस तरह के जो कॉम्पिटिशन है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, कॉम्पिटिशन के लिए और टेक्स्ट के लिए जो बुक्स है वो यहाँ पर आपको बाईसानी और बहुत अच्छे से, बहुत सस्ते में इधर मिल जाती है. क्यों दोस्त इधर तो आओ, आप ही की है? हाँ जी. तो बताइए क्या फर्क पड़ जाता है यहाँ से, कहाँ से बुक लेकर आते हो, क्या कबाड़ से लेकर आते हो, या जो स्टूडेंट वगैरह से लेके आते हैं हम ज़्यादातर? अच्छा, मोस्टली. हाँ स्कूल वगैरह बच्चे अपना भी जो पढ़ते आते हैं, यूजलेस हो जाती है वो दे देते हैं हमें. अच्छा, तो आपको तो रद्दी पर मिलती होगी है? हाँ वैसे तो वैसे ही मिलते हैं, हम हिसाब से लेते हैं, वैसे तोलते नहीं है, बस ऐसे ही लेते. कैसे करते हो प्रोसेस उसकी? स्टार्टिंग करते हो, स्क्रीनिंग करते हो, कैसे करते हो? ना स्कैनिंग वगैरह, पोस्टिंग वगैरह नहीं, बस अपने हिसाब से निकालते बुक्स वगैरह हम, उसी हिसाब से रखते हैं बस. आपके पास इस बार क्या, आपकी क्या स्पेशलिटी है, आपने किन की बुक को रखा हुआ है?
अभी आईएएस के बच्चे ज़्यादातर और स्कूल के बच्चे, अभी स्कूल का सीजन चालू होने वाला, बच्चों का आने वाला, पेपर हो चुके हैं तो उनके वो होगा सेल आउट। ये सीजन टाइम है ये इनका सीजन टाइम है और इसी वक्त में सबसे ज़्यादा जो खरीदने वाले होते हैं। क्यों दोस्त? हाँ सर, तैयारी कर रहे हो? नहीं, मैं पहली बार आया दिल्ली। पहली बार दिल्ली? पहली बार आए हो? नहीं नहीं, इधर पहली बार है। संडे मार्केट? हाँ, संडे मार्केट से मतलब बुक मार्केट। हाँ, क्या लगा, कुछ है खास? हाँ, दो तीन करे लिए अभी। क्या कर रहे हो? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, जॉब कर रहे हो? गुड़गांव में। लग रहा है ना कि बढ़िया चीज़ है। हाँ हाँ, देखिए बुक्स का वाकई में अपने आप में कमाल है, आपके व्यक्तित्व को भी निखारती हैं, बनाती भी हैं। और अगर आपको बुक फेयर नहीं लगता, यानी वर्ल्ड बुक फेयर अमूमन 3 साल में आता है या दिल्ली बुक फेयर आता है आपका, इसके अलावा बुक फेयर के अलावा आपको एक ही जगह पर वैरायटी शॉप आपको यहाँ पर मिलेगी। क्यों मैम, क्या ले लिया आपने आज? जी बुक्स। अच्छा, बच्चों के लिए ले रही है? हाँ जी, फॉर द रीडिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो फिक्शन या टेक्स्ट? आई थिंक शी लाइक्स फिक्शंस। अच्छा अच्छा, अच्छा चलिए, ये तो कैमरा, चलिए इधर बताओ बेटा, एग्जाम खत्म हो गए आपके? यस। तो क्या लिया आपने? मैं दीपक चोपड़ा की कौन सी ली? द सेवन स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस। हाँ, अच्छा और क्या लिया आपने बताइए? मैंने द हार्डी बॉयज। द हार्डी बॉयज, क्या बात है। देखिए ये सब, अच्छा ये हैं आपके इस तरह की, देखिए जो 175 की नीचे वाली है, तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। क्यों बेटा, और क्या क्या चीज़ें लेने वाले हो आप? मैं मिस्ट्री का कुछ देख रही हूँ। आई वॉन्ट सम मिस्ट्रीज, आई मीन इंटरेस्टेड इन मिस्ट्रीज। और मैंने वहाँ पे अलग से बहुत सारी बुक्स रखी हैं। अच्छा, बुक फेयर से हटकर आपको बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाती हैं सारी? है नहीं, आई मीन मिलती है पर ऐसे नहीं कि एक ही जगह पर इतनी सारी बुक्स मिल जाती हैं। अच्छा अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि बाहर कितनी महंगी मिलती है, यहाँ कितनी सस्ती पड़ जाती है आपको? यहाँ की चीप है, वहाँ की महंगी है। उधर की बाहर की महंगी है? हाँ। अच्छा अच्छा, देखिए बच्चे भी जानते हैं। क्यों मैम, बच्चे भी जानते हैं कि सस्ती मिल जाती है? पेरेंट्स ने जो बताया है वही ना, कि क्योंकि एक बुक 300-400 पड़ती है, यहाँ पे 60-70 डिफरेंट डिफरेंट रेट उस पर मिल जाती है। यस एग्जैक्टली, तो मेरे ख्याल से जेब पे भी इतना भारी नहीं पड़ती। यस एग्जैक्टली, बिकॉज वंस दे रीड दे विल लाइक ना, फिर तो उनके लिए डंप कर देते हैं, फिर अगेन दे नीड अ न्यू बुक्स, तो फॉर दैट पर्पज दिस मार्केट इज रियली गुड। यहाँ से देखिए बहुत अच्छी मार्केट है ये, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद वो सब चीज़ खत्म हो जाती है। अरे दोस्त क्या बात है, हाय हेलो, वैसे हाथ कब मिलाना चाहिए, कोरोना चल रहा है। हाँ बताओ क्या क्या ले लिया आपने? सर रीजनिंग वाली बुक ली है। अच्छा, क्या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा हाँ जी, कॉम्पिटिशन यूपीएससी। क्या कर रहे हैं आप? यूपीएससी। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो यहाँ पर सही चीज़ें मिल रही हैं इधर? हाँ ठीक है, नॉर्मल जो जरूरत की चीज़ मिल जाती है, थैंक यू। और ये जब से यहाँ पर ये शिफ्ट हुआ है ना दरियागंज से यहाँ पर, तो ज़्यादा इसकी मार्केट बढ़ गई है, क्योंकि एक ही जगह पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो वहाँ पर कबाड़ी बाज़ार भी मिक्स हो गया था और दूसरी मार्केट थी वो भी मिक्सअप हो गई थी, लेकिन ख़ास तौर पे सिर्फ बुक्स के लिए यहाँ पर, इधर जिसको आना है वो यहाँ पर आ सकता है। और बच्चों के लिए भी देखिए यहाँ पर है, यहाँ से सस्ती पूरी दिल्ली शहर में कहीं नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? क्यों दोस्त, मैगजीन और किताबें कहीं नहीं मिलेगी सबसे सस्ती? हाँ जी, सबसे सस्ती किताब दावा है तुम्हारा पूरा? अच्छा, तो बताओ कितने की दे रहे हो बच्चों की? 15 रुपए। ₹15 की ये सब बच्चों की जो कर्सिव राइटिंग है और कविता, ये सब बताओ उसके बारे में बताओ। 10 रुपए की है चंपक, बच्चों की 15 रुपए की है। ये राइटिंग बुक भी है सब 15 रुपए की। मैं खोल के दिखा देता हूँ, खोल के दिखा दो उसको, क्या क्या है इसमें देखिए। ये देखिए कर्सिव राइटिंग कर, आराम से आराम से आराम से, पहले रोको रोको रुको, पहले ये दिखा दो एक एक चीज़। हाँ ये देखिए, अच्छा ताकि बच्चों के प्रैक्टिस भी हो जाए, रफ प्रैक्टिस है क्योंकि छुट्टियां हैं और आजकल इसका ट्रेंड काफ़ी चलेगा, कर्सिव राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है। तो कितने की बताई आपने? 15 रुपये की। अगर कोई मोल लाभ भाव इसका करे बोलेगी 5 रुपये चाहिए? नहीं चाहिए 5 रुपये, नहीं फिक्स रेट है। हाँ जी, चलिए इनका फिक्स रेट है ये, इन्होंने कह दिया कि सारी ये 15 रुपये की हैं, बच्चों की स्टोरीज भी हैं, कविताएँ भी हैं। क्यों बेटा क्या ले लिया, जैसे ही बताना, कुछ लिया नहीं लिया? नहीं, एग्जाम खत्म हो गए। अच्छा पापा के पास मत जाओ, इधर आ जाओ। हाँ बताओ, अभी देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। क्या क्या देखा आपने? बुक्स देखे, स्टोरी बुक्स और बड़े की बुक्स, मैथ्स की, साइंस की, वो सब देखे। अच्छा, सब पसंद आ रही है आपको? नहीं, अब मैथ्स की साइंस की बुक तो कौन पढ़ेगा, हैं? फिक्शन पढ़ेंगे, स्टोरीज पढ़ेंगे। स्टोरीज लेना है या नॉवल लेना है? स्टोरी। कोई पापा ने खरीदवाई क्या? नहीं अभी देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। पापा ने पैसे लगता है दिए नहीं है। अच्छा बताओ, अच्छा बाहर महंगी मिल रही है या इधर? पहली बार आए हो?
पहली बार आई हूँ। फर्स्ट टाइम? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तो क्या क्या अब क्या लोगी? कोई एक चीज बताओ जो सबसे ज्यादा पसंद हो, इसको लेना हो। अब तक पता नहीं, अभी देख के बताऊंगा। अच्छा, अभी देख के बताएंगे। चलिए बच्ची के पापा से बात कर लेंगे। सर, आप तो आते रहते होंगे। हाय, मैं बहुत पहले आता था। अच्छा, अभी तो 8-10 साल बाद आया मैं यहाँ पर। 8-10 साल के बाद तो अपनी जो जनरेशन आगे की उनको सब दिखाने के लिए। अच्छा, अभी पहले रोड पे होती थी, अब यहाँ आ गई। यहाँ पर क्या है, उधर से उधर में क्या फर्क आपको है? उधर मतलब रोड पे था जैसे, एक तरीके से चलते रहते थे, दिक्कत थी, लेकिन यहाँ अच्छा लग रहा, थोड़ा सा ठीक है, अच्छा माहौल। अच्छा अच्छा, फर्क रेट में कितना रहता है बाहर से और यहाँ पे? तो बहुत फर्क रहा था, मतलब नॉर्मली बाहर शॉप पे आप स्पेसिफिकली जाओ, एक आधी बुक देख सकते हो, यहाँ पे पड़ी हुई है, आप कुछ भी देख सकते हो, थोड़ा वो मिल जाता है देखने के लिए आपको। अच्छा, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी देख सकते। बात सही कही है। और यहाँ पर सबके लिए मटेरियल है, जो बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, जो प्राइमरी सेक्शन के हैं, एट स्टैंडर्ड के हैं, हाई स्कूल के, ट्वेल्थ के हैं, उनके लिए में मिलेगा मटेरियल। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, उनका भी मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा और जितने भी पढ़ने जो शौकिया हैं फिक्शन के पढ़ने वाले, उनका भी मटेरियल आपको इधर मिलेगा। कुछ लिया? नहीं, मैं पहले शॉपिंग कर चुकी हूँ यहाँ से, यहाँ पे। अच्छा, चेक करने। कितने बार आ चुकी हैं आप इधर? जी, मेरा यहाँ असाइनमेंट होता है तो मैं काफी बार आ चुकी हूँ। अच्छा, क्या कर रही हैं आप? मैं एमए मास कम्युनिकेशन। एमए मास कॉम, तो मेडल तो काफी मिला हुआ है यहाँ पर। हाँ, काफी मिला है। अच्छा, कितना फर्क रेट वेट में क्या रहता है? यहाँ के रेट अच्छे होते हैं, और सबसे बड़ी बात की यहाँ पे बहुत एज के लोग आते हैं, मतलब बच्चों से लेके बूढ़े तक, और हर किसी के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। तो आपको भी मटेरियल मिल गया यहाँ पर। चलिए, असाइनमेंट होता है इनका, इन्होंने बता दिया। तो मास कॉम कहाँ से हो रहा है आपका? जामिया मिलिया इस्लामिया। अरे, जामिया में से कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ एनसीईआरटी का बहुत अच्छा वो है उधर। क्यों, क्या ले लिया आपने? जी, मैं थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, थोड़ा मैं आगे आ गया। जी, मैं बुक ढूंढ रही हूं, एक्सपेरिमेंट्स में। अच्छा, किसके ऊपर? आपने ऑटोबायोग्राफी ली हुई है? हाँ जी, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी ढूंढ रही हूं। अच्छा 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 अच्छा, तो क्या वो नाम क्या था इसका? नाम मैं भूल गया इसका। ये हमने पढ़ी थी बहुत पहले, ये हिंदी में पढ़ी थी। हाँ, मुझे भी पढ़ना, मैं पढ़ने की सोच रही थी काफी दिनों से, लेकिन अब मैं रिजल्ट। अच्छा, ये सत्य के प्रयोग करके शायद इसका नाम था, महात्मा गांधी का। जी। तो क्या कितना रेट में कितना फर्क लगता आपको उधर से इधर रेट पे? मुझे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर से जब मैं इधर जाती थी तो इधर मुझे ज्यादा सही लगा, क्योंकि इधर सब है, उधर बहुत घूमना पड़ता था वहाँ से वहाँ तक, इधर आपको इतने में सारी बुक्स मिल जाएंगी। एग्जैक्टली, छोटी जगह पर आपको काफी सारी चीजें इधर मिल जाती हैं। यहाँ पर देखिए, कुछ रेफरेंसेस भी हैं, ऑटोबायोग्राफी भी हैं, बायोग्राफीज भी हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी भी है, APJ अब्दुल कलाम की माय जर्नी, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी वो यहाँ पर इधर मिलेगी। लोक व्यवहार, प्रभाव, शाली व्यक्तित्व की कला, इस तरह की अपने आप को मेंटेन करने वाली, बनाने वाली, ये सब चीज़ें यहाँ पर इधर काफ़ी। क्यों, क्या कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए कुछ बुक्स ले रही हैं? जी। अच्छा, कुछ लिया आपने? नहीं, फिलहाल मैं ढूंढ ही रही हूँ, मैं अभी जस्ट आई हूँ। जी, अभी जस्ट आई हूँ मैं। अच्छा, अभी आई हैं, तो ये फर्स्ट टाइम आई हैं? ये से पहले आती मैं नहीं है? फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे फर्स्ट टाइम आए हैं तो उन्हीं के साथ। अच्छा, तो बुक फेयर से हटकर कुछ चेंज नजर आया आपको? वो लगता है कि एक छोटा मिनी बुक फेयर लगता है हर संडे इधर ही है? मैंने सुना था काफ़ी अच्छा बुक फेयर लगता है यहाँ पे, संडे मार्केट लगता है, बट अभी मैं आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है कि पहले किस तरह से लगता था और अभी कैसे चेंजेस आए हैं। अभी कुछ टाइम ही हुआ है इसको यहाँ पर, 5-6 महीने हुए शिफ्ट हुए, पहले ये बाहर नहीं चला, आपको अगर पता हो, दरियागंज में लगता था। तो रेट में कितना फर्क आपको लग रहा है? मैंने जैसा आपको बताया कि अभी तक मैंने दिया नहीं। अच्छा, है, अभी तो आपने, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी रेगी आपने की नहीं। चलिए चलिए, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं और दूसरे सेक्शन में चलते हैं, देखते हैं और क्या। आइए, बुक मार्केट में आए हुए हैं, अब दूसरे सेक्शन में पहुंचते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि यहां पर आपको हर किस्म की नोटबुक भी मिलेगी, बच्चों की भी मिलेगी, कॉम्पिटिशन बुक्स भी मिलेंगी, और रफ राइटिंग करने के लिए जो बच्चों का अवमन होता है इस वक्त में काफ़ी मिलेगी। और ये सीज़न है, इस वक्त में सबसे ज़्यादा सीज़न में चलने वाली यही सब चीज़ें होती हैं। इनके पास चीज़ें कुछ रखी हुई, दोस्त बताओ क्या क्या चीज़ है इसमें, ये कितने की है? कौन है यहाँ पर? वो देंगे इंटरव्यू। अरे है कितने की ये तो बता दो, वो रेट बताएंगे दुकान पे कौन है। 30 रुपए। तो बस ये बताओ। हाँ। तो मुझे रेट पूछ रहे हैं, ये थोड़ी पूछ रहे हैं यहाँ पर क्यों लगा रहे हो। अच्छा अच्छा, 30 रुपए। 30 रुपए की? तो 30 रुपए की कोई मोल भाव है या फिक्स रेट है? फिक्स रेट है। कितने पेजेज है इसमें? 150। 150। हाँ, 150 पेजेज की, 30 रुपए की फिक्स है ये। देखिए 30 रुपए की इन्होंने बताई है, और यहाँ पर वैसे तो खैर ये डेट वाइज भी है, डेट वाइज भी आपको इधर चीज़ें इधर ये मिल जाएंगी, डेट वाइज भी जो है अपॉइंटमेंट्स के लिए होती हैं, और इसके अलावा जो रफ़ यूज़ करने के लिए आपको मिल जाएगी वो ये सब मिलेगी आपको। ये 30 रुपए में मेरे ख्याल से ज़्यादा ये बुरी नहीं है। अब बच्चों की जो स्टोरीज़ है राइटिंग है वो इधर कर सकते हैं आप राइटिंग के लिए इधर। ये देखिए क्या रेट है इनका, क्या रेट है? 20 का। ये 20 रुपए की है, 20 रुपए की अक्षरमाला बच्चों को, क्योंकि
जो पिक्चर्स हैं पिक्चर्स के साथ बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जो अक्षर है अक्षर के साथ उनका जो मैच है वो बहुत अच्छा निकल कर आता है, तो इसलिए बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं ये बुक्स अपने आप में। क्योंकि बार बार मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको ये मिनी बुक फेयर नज़र आएगा, है तो खैर इसमें सेकेंडरी चीज़ें होती हैं, कुछ जो ब्रांड होते हैं उनके रेप्लिकास भी हैं, लेकिन बहुत अच्छी आपको सस्ते दामों पर चीज़ें इधर मिल जाएंगी। अब उधर ये बच्चों की कुछ जो इंग्लिश है जैसे मैथमेटिक्स है, इधर देखिए प्री स्मार्ट है, हाँ बच्चों को जो छोटी छोटी अल्फ़ाबेट्स हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, जो राइटिंग उनके असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो इधर लिखे जा सकते हैं, जो छोटी छोटी काउंटिंग्स है देखिए प्रैक्टिस के लिए, ये प्रैक्टिस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है डिस्कवरिंग इंग्लिश। अब देखिए इसमें क्या है ग्रेड वन आप टेक हाफ चार्ट पेपर, मतलब इसमें डिटेल दी हुई है कि कैसे कहते हैं राइट फाइव और सिक्स फॉर योर फेवरेट वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर, उसके ऊपर देखिए एक एक चीज़ बच्चों को समझाने के लिए बताने के लिए जो बुक शेप में है वो यहाँ पर आएंगी। ये कितने की थी? ये 50 रुपये की। 50 रुपये की? हाँ जी। 50 रुपये से कम रेट करोगे इसके? नहीं कम नहीं। फिक्स रेट है आप? हाँ फिक्स। कितने तो बाहर भी है रेट? नहीं इससे थोड़ी है बाहर रेट, बाहर तो महंगी मिलेगी आपको दुकान पे। पब्लिक कह रही है कि यहाँ पर हम आते हैं अब ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता, दरियागंज में ज़्यादा कम थे। नहीं नहीं वही रेट है, वही जो दरियागंज में था वही रेट आप यहाँ भी है। अच्छा देखिए इनका बोलना है कि जो रेट उधर थे वो रेट यहाँ पर भी इनको मिलेंगे। अब अगर भूख मिले बताइए कुछ लिया कि नहीं लिया? ले लिया सर हमने तो। क्या लिया बताइए सर? एनसीईआरटी। अरे तैयारियां चल रही हैं एनसीईआरटी। कौन सी क्लास में? पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए? सर पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए? मैंने कहा था कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं आप। नहीं सर मैं डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रही हूँ, आईपीएस की नहीं कर रही हूँ। अच्छा मैंने कॉम्पिटिशन की बोला। यस यस सर। अच्छा तो ये कौन कौन सी लिया आपने? सब आपको चीप मिल गई? बहुत अच्छी है। बेसिक आप तैयारी कर रही हैं एनसीईआरटी? यस सर 6 to 8 और 6 to 10th से अभी प्रिपेयर करना शुरू किया है मैंने। ये बहुत यही तरीका होता है पढ़ने का एनसीईआरटी की, अगर आपने बेसिक पढ़ी हुई है चीज़ों की तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन में आराम से आप निकाल सकते हैं। ये तरीका यही सही है क्योंकि अमूमन जो तैयारी करने वाले होते हैं या जो भी कॉम्पिटिशन आते हैं वो इसी तरीके से तैयारी करते हैं। एनसीईआरटी की बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती है, वो चाहे मैथ्स हो साइंस हो इंग्लिश हो कोई भी सब्जेक्ट हो कोई भी लैंग्वेज हो उसके लिए बहुत बढ़िया मिलती है। भूख लगे तो छोले कुलचे खा लीजिए। क्यों चाचा कितने का दे रहे हो? 30 रुपये में तीन। 30 रुपये में तीन? तीन 10 रुपये का एक? 10 रुपये का एक। अरे रेट जो है ये जरा इधर वाला है, अकेले हो इसलिए। नहीं 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 बाबूजी ये सिर्फ यहीं का रेट है, वैसे तो 30 रुपये के दो देते हैं। 30 के दो देते हो? लाओ भाई दिखाओ इनके छोले दिखाओ चाचा के। चाचा जरा अपने छोले खोल के दिखाओ जरा कैसा है। नहीं नहीं मुझे बनाना नहीं, मुझे बनाना नहीं, खिला के दिखाओ। नहीं नहीं आप मुझे, आप मुझे खिलाए नहीं। हाँ आप मुझे दिखाइए। अच्छा ये पूरा पत्ता मिलेगा 30 रुपये का? चलिए ये किसको देना है आप, किसका है ये? उधर सप्लाई कर रहा है। अच्छा पहले आपने छोले दिखा दो, आप छोले दिखा दे, छोले देखिए आप, छोले देखिए अगर यहाँ पर छोले आ पाएंगे। छोले अंदर से दिखाओ भाई छोले। चाचा के छोले कुछ कम रह गए। चाचा सुबह तक भर के लाए थे? सुबह तक आधा आधा लाए थे। आधे तक हो जाता है बढ़िया से। संडे को तो दोपहर के बाद रेस्ट करनी होती है तो आधा लाते हैं। बहुत सही है। छोले छोले कुलचे खाएंगे नहीं खाए? नहीं नहीं मैं तो यहाँ देखता हूँ पूरी मार्केट में ही देखता हूँ। क्या केयर टेकर हो क्या आप इधर? जी जी जी। हाँ जी। अच्छा तो इनको भी आपने इनकी इनकी भी केयर टेकिंग कर रहे हैं? नहीं नहीं इनका कोई वो नहीं है, कोई पैसा इनसे नहीं लेते, पैसे लेते हैं कोई? अच्छा आप यहाँ अब कैमरे पर उनसे पूछोगे वो तो मना ही कर देंगे। नहीं नहीं मुझे कसम से हो गया। अच्छा मुझे इनका पूर्ण सहयोग है। अच्छा चलिए उन्होंने कह दिया ये इनसे बिल्कुल पैसे नहीं लेते। काटा पर्ची लेकिन पूछो इनसे पर्ची, क्योंकि गरीब आदमी 200 रुपये नहीं कमाता। अब 200 रुपये की पर्ची काटेंगे तो बेचारा क्या कर लिए। चलिए चलिए ठीक है उन्होंने बात कह दी, लेकिन जो शक्ल बता रही है ना इनकी छोले कुलचे होंगे बढ़िया। मुंह में पानी भी आ गया वैसे आपके भी आ रहा होगा। जी वो खरीद रहे? अरे तो मैडम खुश होकर खरीदनी है ना, हंसी तो बाद में आई आपके चेहरे पे। अच्छा बच्चों के लिए ले रहे हैं और ये आपकी बेटी है। अच्छा तो संडे मार्केट का कैसे मालूम हुआ इधर? नहीं हम ले जाते हैं पर खुनमा भी ले गए थे बच्चे के लिए, इस बार भी ले जाओ। अच्छा 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 जाओ आओ खड़े हो जाओ बता दूंगा क्या है। बताइए क्या ले लिया इसमें? स्टेशनरी ली है? हाँ। अच्छा कुछ सस्ती मिल रही है या वैसी है बाहर जैसी? मतलब अच्छी है। अच्छी सस्ती भी है और अच्छी है। अच्छी है या अच्छी है या सस्ती भी है? अच्छी है सस्ती भी है और अच्छा है। अच्छी भी और सस्ती भी है? दिखाओ भाई दिखाओ, देखो इनको चीज़ें ऐसी क्या अच्छा है इसमें और क्या सस्ता है। आ जाओ इधर आ जाओ, आप बताने वाले हो, आप बताते रहो। चलो बताओ दोस्त ये स्टिक जो है ये फेविकोल की कितने की? 10 रुपये की है। ये तो बाहर सड़क उसमें भी मिल रही है दुकान पर 10 रुपये की? नहीं तो जैसे कि दर्जन कोई लेता है तो कम कर देते हो? तो कम कर देते हो। अच्छा और ब्रांडेड कंपनी की चीज़ है ये? नेल कटर बढ़िया है आपका? जी
ये मार्केट में 60 रुपए का है, यहाँ पे 40 रुपए दे रहे हैं, 20 रुपए का डिस्काउंट है। और ये भी वही रेट है। अच्छा, और ये आपका टेबल जो ये सब चीज़ें, ये मार्केट में 50 रुपए का है, और आप यहाँ 40 रुपए का दे रहे हैं, 40 रुपए की दे रहे हैं। और ये आपका डिवाइस, ये वाला जो है, जो कंपास जो आपकी वो बताता है आपकी डायरेक्शन, ये 80 रुपए का मार्केट में है, यहाँ पे 60 रुपए का डायरेक्शन बताता है। ये आप कितने का दे रहे हैं? 10 रुपए दे दो। आप कितने का दे रहे हैं? अरे रेट तो बाद में बताना, आगे के पहले ये तो बता दो। 60 रुपए का दे रहे हैं, मार्केट में 80 रुपए का है। 60 रुपए का। चलिए चलते हैं आगे और देखें क्या क्या है। कुछ और नोटबुक भी हैं इधर। अच्छा, ये आई देखिए, सिर्फ बुक्स ही नहीं है इसमें, उसके अलावा भी आप यहाँ से चीज़ें रफ वर्क करने के लिए इधर ख़रीद सकते हैं। क्यों दोस्त, कितने की है? और इधर आ जाओ, इधर बता दो कितने की है। ये 100 रुपए की। 100 रुपए की है। पब्लिक कह रही है हमें 100 नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए 60 रुपए की। नहीं पागल, बहुत सस्ता है, 1 किलो 200 ग्राम वेट है इसका। अगर किलो में बेचेंगे 120 रुपए किलो तो 144 रुपए। तो आप ये किलो से ले, आप किलो से लेकर आ रहे हैं पीछे से? नहीं, हमारा खुद का काम है। अच्छा, रेट तो, रेट में तो कुछ ऊपर नीचे करोगे ना? हमारा फिक्स है, होलसेल का रेट है। ये होलसेल का रेट है। अब पब्लिक को क्या पता ये होलसेल का दे रहे हो या रिटेल का? वो सब पता है, जानने वाले जो ले जाते हैं हमारे से, उनको लगता है कि हम सस्ता ही बेच रहे हैं। जो रेगुलर खरीद रहा है वो ना, अब जो अनाड़ी आए, मेरे जैसा अनाड़ी आदमी आए, तो उसको पता ही नहीं है, जो बोलोगे वो मान जाएगा, उसके बाद घर जाएगा तब दिमाग में बैठ जाएगा। ये 10 साल देखिए, ये मोल भाव का अधिकार सबका रहना चाहिए ना, पब्लिक को बताओ, पब्लिक देख रही है। दुकान पे जाओगे आप तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, जब घर ले जाओगे तब आपको समझ में आएगा मैंने क्या लाया हूँ। और अगर ठग लिए गए तो? नहीं ठगे जाओगे उस बात की। चलिए, कुछ ले लिया आपने? हाँ जी सर, बस मोल भाव ही कर रहे हैं। अच्छा, अभी मोल भाव हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम है, इससे पहले भी आती नहीं है आप? नहीं, फर्स्ट टाइम है, अभी पहली बार आई है। इतने का ठीक लग रहा है आपको ये? अप्रोक्सीमेट ठीक ही है। अच्छा, चलिए तकरीबन सही है, इन्होंने ओके कर दिया है कि अप्रोक्सीमेट सही है। तो ये 100 रुपए की इन्होंने बात कही है, कम भी नहीं होगा, 10 रुपए भी कम नहीं। इतना कर लेंगे अगर आप मोल भाव करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या आई है। एक मैडम बैठी हुई है सेल करने के लिए। क्यों मैम, आज क्या क्या लेकर आ गई हैं आप? आइए आप इधर आके बैठ जाइए आराम से। अच्छा सर, बच्चों की एजुकेशन? हाँ हाँ, बताइए क्या क्या चीज़ें हैं सर? जीके है, कलरिंग है, ABC है, 1-2-3 है, सभी है जो बच्चों की होती है। नर्सरी टू एट तक का मटेरियल आपके पास है? होलसेल। अच्छा, रेट क्या क्या रखा हुआ है? कोई अगर सिंगल लेना चाहे तो ले पाएगा? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, तो रेट क्या रखा है आपने ये बताइए, जो है बच्चों का ये है, कितने की होगी? 10 रुपए। 10 रुपए की, कोई भी ले 10 रुपए की? नहीं, अलग अलग प्राइस, अलग अलग 10 रुपए, 20-30। अच्छा, 10 रुपए से कहाँ तक का रेट है? 30 तक का, 10 रुपए से और 30 रुपए तक का ये रेट है आपको, नर्सरी से 8वीं तक। नर्सरी से 8th स्टैंडर्ड तक की जो बुक्स है वो आपको मिलेंगी। पोइट्री भी होगी, कविताएं भी होंगी, और इसके अलावा जो राइटिंग है वो भी होगी, जो गीत मलार है वो भी आपको नज़र आएगा इधर, और जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं वो इधर आएंगी, जनरल नॉलेज की बेसिक चीज़ें हैं वो इधर आपको नज़र आएंगी। तो ये बच्चों का नर्सरी से 8 तक का जो मटेरियल है वो आपको इधर मिलेगा, और बहुत अच्छे से मिलेगा। 10 रुपए से सिर्फ 30 रुपए तक का ये है, मेरे ख्याल से ज़्यादा महंगी नहीं है। और देखिए इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऐसे कमाई यहाँ पर हो जाती है बढ़िया से, और एक ही दिन सिर्फ ये लगता है। क्यों दोस्त, गिल्लो गिनते रहो यार, सही हो गई कमाई आज? नहीं, बिल्कुल नहीं, आज बिल्कुल नहीं। अरे रो क्यों रहे हो यार, रो मत। क्या कहना है, ये बताओ कमाई वमाई हो रही है तुम्हारी? बस थोड़ा देख चल रहा है, सही है। फिर रोना शुरू कर दिया, उससे तो अच्छी होगी दरियागंज से? नहीं, वहाँ से कम है। वहाँ ज़्यादा? अच्छा, वहाँ से कम है? वहाँ तो बहुत कम है। अच्छा, क्यों कम है ये बताओ? इसलिए कम है, यहाँ पे मतलब थोड़ा ग्राहक कम आ रहे हैं। यहाँ ग्राहक क्यों कम आया? काम नहीं है इतना। काम नहीं, क्यों काम नहीं है? कस्टमर इतना कम आते, इसलिए कम आता है। यहाँ पर सिर्फ किताबें वाले ही आएंगे, वहाँ पर जो लोग आते थे वो कबाड़ी वाले भी आते थे, चोर मार्केट के वाले भी आते थे, सब मिक्स था, चलता फिरता भी आता था, तो इस वजह ये। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सिर्फ किताब वाला ही आएगा, जिसको ख़रीदनी है प्रॉपर बुक्स वही यहाँ पर आएगा। चाहे प्रैक्टिस के लिए जो नोटबुक्स है वो भी आपको मिलेंगी। देखिए सबका रेट अपना लगा हुआ है, इन्होंने 40 रुपए का ये रेट रखा हुआ है। ये डायरी है, ये 40 रुपए की है, ये 25 रुपए की है, इसके आगे अगर आप देखोगे तो ये 70 रुपए की है, 70 रुपए के आगे जो इधर रेट लिखा हुआ है वो 220 रुपए का है। ये 6 रजिस्टरों का पूरा सेट है वो। क्यों सर आपने लिए, ये कितने का लिया? ये
220 बता रहे हैं। 220 का? हाँ जी। अरे वाह क्या बात है, आपने तो लूट लिया। लूटा नहीं है तो मार्केट में आपसे कुछ कम मिला है? ये इतने का मिलता मार्केट। हाँ, बहुत अच्छा अंकल, लूटा नहीं है। हाँ। बहुत अच्छे से दाम पे हमको दिया जा रहा है। अच्छा, आप लोग लूटने का मतलब ये नहीं है, लूटने का मतलब है कि आपने कम दामों में ले लिया। नहीं, हमने कम दामों में लिया है, लेकिन अंकल लगा नहीं रहे। बताओ भाई, तो आपके ऊपर लगा रहे हैं कि आप कम दामों में कर रहे हैं। रेट रीजनेबल है, बहुत बढ़िया रेट सर। ये 8 फाइल बना रहे हैं, इसका 60 रुपए मांग रहे हैं, इनको बोलिए 50 का लगा देंगे। यार तुम भी आदमी तेज हो, फोन कैमरे के आगे डीलिंग पर आ गए। कैमरे के आगे सच बोलते हैं लोग। अच्छा अच्छा, देखिए डीलिंग पर फौरन आ गए कि भाई इतने का दे दो, हमको भी एडवांटेज। अच्छा चलिए और आगे देखिए जो इनके रेट्स हैं, एक बार रेट थोड़ा पढ़वा दें। देखिए रफ मोटर रजिस्टर ये पहले 100, ये कितने का बताया? 50 रुपये का। ये 50 रुपये का है, ये इसको इस तरीके से देखें आप। ये हाँ, अब बताइए आप कौन सा दिखा रहे थे, आप वो दिखा रहे थे कौन सा? ये कितने का है? देखिए यहाँ पर ये इधर इनका 110 रुपये में, ऐसे ये तीन है 160 रुपये में है, ये दो 160 रुपये में दिखाइए, 160 रुपये में ये दो। क्या प्लेन है? अंदर से दिखाइए 8 फाइल है। पेंटिंग के लिए बहुत बढ़िया, स्केचिंग के लिए जवाब नहीं है, 160 रुपये में ये दो मिलेंगी। ये देखिए साहब, वाह 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 वाह, इन्होंने तो पूरी लाइन ही लगा दी। ये इसका क्या रेट है भाई? 250। 250 रुपये की एक? जी जी, 250 रुपये की एक। ये 150। हाँ ये 150, ये स्पेशल साइज है। कोई भी पेंटिंग का शौकीन हो, जो करने वाला हो, वो यहाँ पर इधर कर सकते हैं। चलिए अब इधर आगे, इन सब के अपने अलग 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 सबने रेट है। देखिए बच्चे एकदम टूटे पड़े हैं। अरे क्या हुआ भैया, क्या 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 कूद रहे हो उसमें किताबों के ऊपर? बार्जिन मतलब थोड़ा कम करा रहे थे रेट। बार्जिन, बार्गेनिंग मत करना, बार्जिन करना। क्यों? अच्छा मार्जिन, मार्जिनल रेट पे लेना चाह रहे हो? अच्छा कोई बात, थोड़ा सा मजाक किया था, खुश रहा करो। क्या कर रहे हो आप? 12th क्लास की पढ़ाई करने हैं। पढ़ रहे हो? हाँ। 12th में? ठीक है, कौन सा स्कूल है? आरपीबी भी है। चलिए ठीक है, एक्सीलेंस स्कूल है। एक्सीलेंस 12th ही कर रहे हैं। 12th ही कर रहे हो सारे स्कूल में? तो इधर ही क्यों आए? बुक्स लेने आए थे। सस्ती मिल जाती है? हाँ सही मिल जाती है। कितनी सस्ती? सेकेंड हैंड मिल जाती है, मतलब हाफ रेट से कम में। हाफ रेट से भी कम मिल जाती है। एक और सब पीछे खड़े हुए, देखिए सब स्टूडेंट ही हैं। बताइए कुछ कम पड़ा मिला कि नहीं मिला? अभी तो ले रहे हैं। अच्छा कम मिल जाएगा? हाँ, अच्छा पहली बार या आते रहते हो आप लोग इधर? नहीं हम लोग आते रहते हैं। और कितने साल से आ रहे हो? दो तीन साल से। तो जो जरूरत की चीज़ें सारी मिल जाती हैं आपको? हाँ सब। रेट में कितना फ़र्क लगता है? काफ़ी डिफरेंस है। काफ़ी डिफरेंस है इसमें। अच्छा ये बताओ भीड़ में आ गए कोरोना नहीं फैलेगा? नहीं यहाँ पर उतना नहीं आए थे। इधर नहीं है इतना? बीच बीच में ये सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि कोरोना से डर नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर कह रहे कि इधर नहीं है। देखिए एक और इधर इनसे पूछते हैं, पैसों की डीलिंग चल रही है, पब्लिक आराम से अपने जब खरीद लिया तो आराम से बैठ गए। क्यों भाई, धूप का मजा ले रहे हो? धूप के भी मजे लेने आए हैं। गर्मियाँ बढ़ने लगी? हाँ अभी तो सही मौसम, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ अच्छा बढ़िया। तो लेने के बाद पूरे हफ्ते भर तक क्या इंतजार रहता है इन सब चीज़ यहाँ का? हाँ हफ्ते भर का हम भी वेट कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा बुक्स ज्यादा चीप प्राइस में मिल जाती है, और क्योंकि ऑनलाइन भी अगर हम सर्च कर रहे थे तो मैंने एक बुक ली थी। मास्क क्यों लगाया? मास्क ही कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से तो प्रोटेक्शन मिलेगा। वो मैंने सुना है कि कल जो कहते हैं एम्स के डायरेक्टर ने भी बोला कि जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपना प्रिकॉशनरी तो हम ले ही सकते हैं। तो भीड़ में क्यों आ गए, डर नहीं लग रहा? नहीं क्योंकि अच्छा ये बताओ कोरोना फैलाओगे या कोरोना को? नहीं मैं बचना चाहूँगा। फैलाने का बतक सत्य है नहीं हमारा। नहीं 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 ठीक है, हाथ नहीं मिलाऊंगा लेकिन गले मिल लूंगा, अगली गले मिल लूंगा, गले मिल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, भागे नहीं कोरोना। एक और मैडम है, बताइए आपके पैसे हाथ में हैं, बहुत देर से आप डील कर रही हैं, कुछ हो पाया नहीं? हो पाया सर, एक्चुअली अच्छी डील है ये। बेसिकली ये है कि पेपर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो मुझे लगा ये एक डील अच्छी है। कम लोग पेपर्स लेते रजिस्टर 120 kg, मैंने वहाँ पता भी किए थे, बट यहाँ पे मुझे पेपर की क्वालिटी बेटर लगी। तो मतलब नोट्स बनाने तो ऐसा होता है कि फट जाते हैं कुछ, तो बेटर है कि हम लोग अच्छे क्वालिटी का पेपर लें। अच्छा कितना फ़र्क पड़ जाता है आपको इसका, कितना परसेंटेज का फर्क आ जाता है? यहाँ क्वालिटी नहीं मिलती सब जगह इंडीड, बट ये है कि रेट थोड़ा सा आप और रीजनेबल कर सकते हैं, बट अगर हो जाए तो अच्छा। अच्छा अच्छा क्वांटिटी बढ़ते ही और रेट कम कर देंगे, अगर बल्क में लेंगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगा। कितना बल्क, आप आइडिया बताओ कितना? 200 कॉपी लेंगे तो आपको और कर देंगे। होल सेल वाला काम हुआ वो नहीं हो पाएगा। अच्छा क्या कर रही हैं आप? मैं बेसिकली लॉ स्टूडेंट हूँ। लॉ स्टूडेंट हैं जी, तो इसलिए आपके लिए तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगी इन सबकी राइटिंग। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो उसके लिए ये सब है। मैं बात तो कर लूँगा, आपने फ़ौरन ले रजिस्टर 200 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का।
हाँ तो अब ये बताइए कि आपने ये सब चीज़ें ली, मैं एक साथ सवाल एक दो सवाल और पीछे से पूछ लेता हूँ लोगों से, कोरोना वायरस से डर नहीं लग रहा है भीड़ में आ गए? सर एक्चुअली कोरोना के प्रिवेंशन ले रहे हैं तो डर किस बात का, अगर हम प्रिवेंशन अच्छे से ले रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि डरने की जरूरत है। अच्छा, तो ये है कि मास्क वगैरह लगाओ, अपने हैंड वॉश वगैरह करो और कोशिश करते हैं कि मुँह पे हाथ ना लगाएं, तो आई थिंक हो जाता है, ठीक हो जाएगा आई गेस। ये बुक्स हैं इनमें तो बहुत सारे लोगों के हाथ लगते हैं। इंडीड, बट मैं मुंह पे ही लगा रही हूं ना। अच्छा। कि मैं सैनिटाइजर लेके चलूं साथ में। ओके ओके, वो है आपके पास जी? वो तो खैर हो गई होगा, खैर इन्होंने ये बात रखी आपने, तो इसका मतलब यहाँ पर सब ओके है। हाँ जी ओके है। जो स्टूडेंट है उनके लिए मैसेज दे दी एक छोटा सा, उनके लिए मैसेज यही है कि आप प्लीज प्रिवेंशन करो, आई डोंट थिंक कि कोरोना बहुत बड़ी डिजीज है और यहाँ के लिए। चलिए आपने कोरोना के बारे में बता दिया, ये अच्छी बात है, उसके तो हम प्रोग्राम कर ही रहे हैं। मैं बुक्स के बारे में बोलना चाहूँ, बुक्स बहुत अच्छा प्राइस है, इनसे आप लोग की प्लीज रिक्वेस्ट करेगी थोड़ा सा प्राइस अगर कम हो जाए, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है पेजेस की। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो, बहुत लाइफ टाइम के लिए बनाना चाहते हो, आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस, आप इसे जरूर ट्राई करें। थैंक यू। आप इसे जरूर ट्राई करें, इन्होंने बात कही है। चलिए अब चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या खास है इसमें। आइए, बच्चों के इन्फॉर्मेशन के लिए छोटे छोटे इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं, ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफी, साइंस और चिल्ड्रन से रिलेटेड वो भी सब है। क्यों साहब, क्या क्या चीज़ आपके यहाँ रखते हैं बच्चे, खास चीज़? हाँ, स्पेशली स्टोरी कलेक्शन फॉर डिज्नी स्टोरी कलेक्शन हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं। लेडी बर्ड कलेक्शन, बच्चों के जो फिक्शन नॉवेल्स होते हैं, बच्चों के फिक्शन नॉवेल्स हैं, बच्चों के इंसाइक्लोपीडियाज हैं, स्पेशली चिल्ड्रन कलेक्शन होता है हमारे पास, बाकी छोटे बच्चों का बोर्ड बुक्स कलेक्शन। कितना फ़र्क होता है बाहर पर और अंदर? फ़र्क बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है, या तो बहुत, यहाँ पर तो बहुत सस्ती मिलती है किताबें। चलिए देखें और आगे, देखें और आगे क्या है, क्या मटेरियल है, किस किस तरीके से चीज़ों को लिया हुआ है। पेंटिंग्स के जो शौकीन हैं, पेंटिंग के शौकीन हैं वो यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें क्यों मैडम कुछ मिल जाती हैं यहाँ पर आपके मतलब की चीज़ें? एक्चुअली आई एम द फर्स्ट टाइम आई केम हियर, तो यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, देर आर लॉट ऑफ कलेक्शन रिगार्डिंग नॉवल्स, इवन साइंस बुक्स आई हैव सीन, दे आर सो गुड। बेसिकली आप आर्ट फील्ड से हैं या लिटरेचर फील्ड से? एक्चुअली वी बोथ आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, सो वी आर टेकिंग फॉर माई किड्स। आपने जो जब आप यहाँ पर रुकी हैं, तो ज़्यादातर डिजाइनर जो होते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं। हाँ डिज़ाइनर है एक्चुअली, आई स्टिच ऑल्सो, तो मेरी क्या है स्टिचिंग की हॉबी है, तो दैट्स व्हाई आई वाज सीइंग कोई पैटर्न्स वगैरह हो इसमें। देखिए उठाइए 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 देखिए, हाँ पैटर्न्स वगैरह हो, लेटेस्ट पैटर्न्स मिडीज वगैरह की हैं जैसे ये। हाँ बोलती रहिए, तो मैं एक्चुअली मेजरमेंट्स वगैरह के लिए देख रही थी कि कोई मैगजीन मिल जाए जिसमें मेजरमेंट्स अच्छे हों। गुड क्वालिटी वो ये, लाइक माई lot of designs are there, you can take off. देखिए कंप्यूटर साइंस की है, लेकिन यहाँ पर इनके मतलब की जो चीज़ है, जो अपना खुद का इनका इंटरेस्ट है वो स्टिचिंग में भी है, तो उसके जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर आई, तो इसलिए हर किसी के लिए सबके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा इधर, राइट सारी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें। आई हैव सीन बहुत कुछ लिया मैंने, नॉवल्स ली मेरे पसंद की, बच्चों के लिए भी ली, बहुत अच्छी अच्छी मिली है मुझे, एंड विद वेरी रीजनेबल प्राइस, जैसे हैरी पॉटर्स की ओनली 100 rupees की मिली है, जो विम्पीस की डायरीज हैं वो आपकी 50-60 rupees में मिले, दैट इज़ वेरी नॉमिनल प्राइस, और इवन आर डी शर्मा जो है मैं 300-400 की लेती हूँ, दैट आई हैव टुक फॉर ओनली 100 rupees बॉक्स, सो इट्स अ वेरी गुड प्राइस। क्या बात है, देखिए आपने तो मार्केट लूट ली। हाँ सर राइट, तो मार्केट लूट ली, जो बाहर लेती है 200-400 rupees की वो आपको सिर्फ 50 rupees की इधर मिल गई। राइट राइट, हाँ यस, ये फ़र्क आपको नज़र आएगा जब आप खुद यहाँ पर पहुँचेंगे। हंस के दिखाओ, अब बात होगी तुमसे जी, क्या क्या चीज़ें लाए हो आज? ऑल कॉम्पिटिशन बुक्स। और कॉम्पिटिशन बुक्स रखते हो या और भी कुछ रखते हो? कॉम्पिटिशन के रखते हैं जी, सारे कॉम्पिटिशन की। अच्छा, क्या 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 कॉम्पिटिशन में क्या क्या? IAS, PCS और मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का है, ये सब है, SSC। अच्छा, कितना रेट में कितना परसेंटेज का फ़र्क मिलता है आपके? 50% जी। 50% का, नई या पुरानी? पुरानी, ओल्ड। पुरानी ओल्ड जी, हाँ जी। कॉम्पिटिशन में जो बेसिकली जो GK है, जो बेसिक, जो पुरानी जो चीज़ है, जो करंट है, वो तो आपको नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन इसके अलावा जो GK की हैं और दूसरी बुक्स हैं वो आपको वैसे ही आपको मिलेगी, और एक बार यूज़ हो जाने के बाद आप उनका दोबारा इस्तेमाल शायद कर नहीं पाते हैं। देखिए एक और साहब खड़े हो जी, बताइए। हमारे पास जो है स्कूल, कॉलेज,